अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जमरीन फारूक और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। 3 दिन पहले दिल्ली के गाजियाबाद से सटे लोनी इलाके में शिद्दत पसंद और आतंकी सोच रखने वाले हिंदुओं ने एक रैली करके इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ खूब जहर अफशानी की। उस रैली में पिंकी चौधरी ने भी 27 मिनट की स्पीच दी। पिंकी चौधरी के हर जुमले में कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं और साथ ही पिंकी चौधरी ने मुसलमानों का कत्ल करने के साथ साथ वैसी का भी कत्ल करने की धमकी दी है और कहा कि हिंदू तुम्हारी गर्दन काट देंगे। पिंकी चौधरी के बयान के बाद वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी पिंकी चौधरी को सहारनपुर की रैली में करारा जवाब दिया। आइए आपको सुनाते हैं पिंकी चौधरी ने क्या कहा था और ओवैसी ने उनको जवाब पलट कर क्या दिया। मैं उस ओवैसी को क्या देना चाहता हूँ, जब तक हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता और हिंदू रक्षा दल के योद्धा और हिंदू रक्षा दल के योद्धा हिंदुत्व की राह पर इस ताकत से चल रहे हैं कि सारे असदुद्दीन ओवैसी की गर्दन को काट देंगे, मेरी गर्दन की फिक्र मत करो, मेरी गर्दन की फिक्र मत करो। मैंने तो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर अपनी जान को अपने रब के हवाले कर चुका हूं। जन्नत के इवज में इंशाअल्लाह ताला अपनी जान को अपने रब के हवाले कर चुका हूं। वो मुझे खून के लुफड़े से जब बनाया है, जब वक्त आएगा चले जाएंगे, कोई नहीं टिकेगा इस दुनिया में, कोई नहीं टिकेगा। बड़े बड़े वजीर आजम आए, सबको जाना पड़ा, कितने प्रधानमंत्री आए, सबको जाना पड़ा, मैं भी जाऊंगा। तुम अपनी फिक्र करो कि मेरी गर्दन काटेंगे। गर्दन काटने से क्या हक की आवाज दब जाएगी? क्या गर्दन काटने से सच्चाई छुप जाएगी? क्या गर्दन काटने से जालिम के खिलाफ आप लोग नहीं लड़ेंगे? क्या गर्दन काटने से आप मजलूमों का साथ नहीं देंगे? क्या गर्दन कट जाने से आप इन जालिमों के खिलाफ एक शीशा पिलावी दीवार नहीं बनेंगे? आपको बनना है। और मैं इन लोगों से कह रहा हूं कि ये जान से मारने की धमकी मुझे मत दो। मैं जब 12 साल की उम्र का था, जब से अपने घर के सामने ये संघ परिवार के लोग हमारे घर के पास आकर नारे लगाते थे, मेरे छोटे भाई अकबर भी इसको जानते हैं, जिस पर हमारे घर के सामने आते थे और नारा लगाते थे कि मुसलमान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। 15-20 लोग आते थे, हमारे एक ताया थे, वो जब भागते थे तो पूरी अपनी चप्पलें छोड़कर भाग जाते थे। मेरी गर्दन की अहमियत मत करो, भारत की फिक्र करो। भारत असदुद्दीन ओवैसी से बड़ा है, भारत का कंपोजिट कल्चर हमारा कीमती खजाना है, इसकी हिफाजत करो। ये जो धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नरसिम्हार की जो बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो कोई बोलो, बोलो अमित शाह तुम देश के होम मिनिस्टर हो, बोलो नरेंद्र मोदी तुम देश के प्रधानमंत्री हो, तुम क्या मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं हो? बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, क्या तुम होम मिनिस्टर नहीं हो मुसलमानों के? बताओ कांग्रेसियों, क्या तुम मुसलमानों की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिए संविधान के तहत? कोई नहीं बोलेगा, मगर जब इलेक्शन आएगा उत्तर प्रदेश का, तो एक मुसलमान से डर दिखाएगा, एक बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर और हासिल करेंगे। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com